नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टाइगर की मेहनत पर फिरा पानी, कथा का आयोजन हुआ निरस्त। मनासा जिला नीमच मध्य प्रदेश, नारियल की चोट से घायल हुए थे आष्टा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिस कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मनासा कथा निरस्त। पंडित मिश्रा जी कथा का आयोजन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक होना था, पर स्वास्थ्य के चलते कथा कैंसिल हो गई। फिलहाल कथा अगले साल फिर होगी। सभी के चेहरे पर मायूसी छाई, पहले कथा हुई निरस्त, फिर चली लंबी जद्दोजहद के बाद मनासा विधायक की मेहनत रंग लाई और कथा आयोजित हुई, पर पंडित जी के स्वास्थ्य कार्डों के चलते इस समय यह बड़ी खबर आ गई मनासा से कि यह कथा निरस्त हो चुकी है। लाखों की संख्या में उपस्थित भक्तों के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया, आष्टा में आयोजित महादेव की होली के दौरान रंगों के बीच फेंके गए नारियल से चोट लगने के कारण सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके कारण चिकित्सकों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा न करने का सुझाव दिया। पंडित मिश्रा ने बताया कि कथा अगले 1 महीने तक कहीं भी नहीं होगी। वहीं अगले साल यह कथा आयोजित की जाएगी, जिसका सारा खर्चा कुबेरेश्वर समिति सीहोर के द्वारा किया जाएगा। आयोजक देवड़ा परिवार ही रहेगा, बस कथा में आपको शिरकत करना है। फिलहाल कथा का कार्यक्रम निरस्त हुआ है, वर्तमान समय के लिए कथा निरस्त की गई। आगामी कथा वाचन की सूचना प्रशासन अलग से करेगा। बस्ती टाइम 24 के लिए दर्शक मालिक।